सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपने कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज करना आता ही होगा, लेकिन फ्रेंड्स जब आप अपने पासवर्ड को चेंज करने जाते हैं तो वहाँ पर वो सबसे पहले आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का जो करंट पासवर्ड होता है वो आपसे वहाँ पर मांगता है। लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अगर आपको अपना करंट पासवर्ड नहीं पता है फिर भी। तो अगर आप भी अपने आप को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट मानते हैं तो आपको इस ट्रिक के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD, और उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है नेट यूज़र, और ये टाइप करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टाइप करना है नेट यूज़र, उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने PC का जो नाम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे PC का नाम है SK टेक्निकल ऑफिशियल, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा SK टेक्निकल ऑफिशियल। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद फ्रेंड्स आपको जो भी यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है तो सिंपली आपको इसे यहाँ पे टाइप करना है। तो फ्रेंड्स मैं सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा पासवर्ड यहाँ पे बना लेता हूँ, और ये पासवर्ड लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी कि फ्रेंड्स अब आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड को यहाँ पे डाल देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। सो गाइस, अगर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का करंट पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस सिचुएशन में आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस छोटी सी वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगर मैं कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें SK टेक्निकल के साथ।